करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, आज के इस वीडियो में गाइस हम स्टार्ट करेंगे कि रैबिट को आप अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, आप जब भी रैबिट को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले आपको काम करना है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है आपका एंटीवायरस को ऑफ करना है। जो भी आपके सिस्टम में जो भी एंटीवायरस होगा, सबसे पहले उसको हर जगह से आप ऑफ कर देंगे। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे ऑफ करना है आपका जो भी एंटीवायरस है। जैसे कि मेरे इस सिस्टम में विंडो डिफेंडर है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सबको ऑफ कर दिया है गाइस। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सब कुछ ऑफ है। तो आप लोग जब भी आप इंस्टॉल करेंगे अपने रैबिट सॉफ्टवेयर को, तो आप अपने एंटीवायरस को ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास एनटीपीसी का है, सॉरी नेट प्रोटेक्टर है, तो आप इसको ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास मैकैफी का है, उसको ऑफ कर देंगे। जो भी एंटीवायरस है, आप उसको सबसे पहले ऑफ करेंगे रैबिट को इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है गाइस, अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, यहाँ पे दिस पीस जो भी आप ड्राइव में रखे हो, आप उस वहाँ पे चले जाएंगे। जैसे मैंने सी ड्राइव में सेव किया है अपने रैबिट 2016 को, तो मैं यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा रैबिट 2016 दिया हुआ है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करा, उसके बाद गाइस यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है सेटअप। यहाँ पे देखो गाइस, दो दो सेटअप दिया हुआ है, जिसमें जिसके आगे में एप्लीकेशन लिखा है, उस सेटअप में आप राइट क्लिक करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। जैसे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिया हुआ है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग रन एस एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। जैसे रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, एक डायलॉग आएगा, तो इसमें आपको यहाँ पे यस करना है। ओके गाइस, यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों का कंट्री रीजन में यूएसए दिया है, तो आप इंडिया को क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आई जैसे टाइप करूँगा, आई में डायरेक्ट ये इंडिया में ले जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे इंडिया में गए, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को आई एक्सेप्ट करना है। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर देना और प्रोडक्ट की देना। यही हमारा एक क्रैक का एक फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये तो आपको देना ही है। तो इसका गाइस, रैबिट आर्किटेक्चर 2016 का सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की है, आप देखते रहिए। तो आप लोग अपने स्क्रीन में टाइप करेंगे सभी 6666696699। देन उसके बाद आएगा आपका गाइस प्रोडक्ट की आप लोग स्क्रीन में अपने टाइप करेंगे 241 कैपिटल में H1। ठीक है गाइस, जब आप लोग का यहाँ पे दोनों में टिक दिखाएगा, इसका मतलब आपका सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की सही है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि रैबिट आर्किटेक्चर 2016 है, तो 2016 के लिए चाहे कोई भी आपका 2016 आए, 79, 99 जो भी आए, उसके लिए सीरियल नंबर सेम रहता है। बट जो उसका प्रोडक्ट की होता है, प्रोडक्ट की डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी मैं 16 यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए क्या है मेरा प्रोडक्ट की 241H1। अब जैसे कि मेरे पास अगर आ गया रैबिट आर्किटेक्चर 2017, तो 17 के लिए क्या हो जाएगा गाइस, सीरियल नंबर तो सेम रहेगा, बट जो आपका प्रोडक्ट की रहेगा वो क्या हो जाएगा, 241H के बाद क्या आता है गाइस, आई आता है, तो I1। अब जैसे 18 आएगा, तो आई के बाद क्या आएगा, जे, तो मतलब क्या हो जाएगा, 241J1। ओके गाइस, तो सीरियल नंबर आप लोग को और प्रोडक्ट की समझ आ गया कैसे करना है। उसके बाद आप लोग करेंगे सभी यहाँ पे नेक्स्ट। अब जैसे मैं नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, यहाँ पे आएगा गाइस, ये सब आपका पूरा चेक रहना चाहिए। अगर आपका अनचेक रहेगा, तो सभी आप उसको चेक कर देंगे। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी चेक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क स्पेस, मेरा जो रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है वो कितने का, टोटल 9.11 GB। एटलीस्ट आपके सिस्टम में इतना स्पेस खाली रहना चाहिए। ठीक है गाइस, अब इसको मैं आपको कोई से भी ड्राइव में सेव करना, आप सेव कर सकते हो जहाँ पे स्पेस आपका ज़्यादा अवेलेबल है। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं करूँगा इसको इंस्टॉल। आप लोग के में गाइस यहाँ पे दिया होगा 21 या 41, उससे आप लोग कोई पैनिक नहीं करेगा। वो जितना भी रहे, वो आपके रैबिट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे मेरा 21 दिया है। ठीक है गाइस, अभी जैसे 18 से 0 हो जाएगा, तब ये आपका रैबिट आर्किटेक्चर सिर्फ इंस्टॉल होगा। ठीक है गाइस, अभी जैसे 0 हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को करना है मेन चीज़, वो है होता है क्रैक। क्रैक कैसे किया जाता है, पर मैंने आप लोग को बताया था गाइस, जब भी आप लोग रैबिट को इंस्टॉल करेंगे, आप लोग का एंटीवायरस ऑफ रहना चाहिए, अदरवाइज आप लोग का रैबिट इंस्टॉल नहीं होगा। ओके गाइस,
तो गाइस आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, ये जैसे ज़ीरो हो जाएगा उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, सिर्फ इंस्टॉल होगा। जो मेन चीज़ रहता है हमारा क्रैक करना, वो क्रैक करना बचे रहेगा। क्रैक ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस, हार्डली टू टू थ्री मिनट्स लगते हैं बस। तो गाइज यहाँ मेरा रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग करेंगे सभी फिनिश, ठीक है गाइज। तो गाइज जैसे आप लोग का रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे जब आ जाएगा तब उसके बाद आप लोग को यहाँ पे राइट क्लिक करना है सभी को। जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे लिखा हुआ है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है गाइस। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी लोग को यस करना है, जैसे यस करेंगे ये आपका ओपन होगा, ओके गाइस। यहाँ पे गाइस आप लोग का ऐसे एक्टिवेट आएगा, उसके बाद आप लोग को क्या करना है गाइस, जैसे आप रैबिट आर्किटेक्चर में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें उसके बाद आप लोग को करना है यहाँ पे एक्टिवेट, ओके गाइस। यहाँ पे दिया हुआ है रिक्वेस्ट कोड, अगर आप लोग का ये ऐसा ये यहाँ पे आई हैव एन एक्टिवेशन कोड नहीं आता है, बाय चांस अगर नहीं आता है रिक्वेस्ट करके समथिंग कुछ लिखा रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, जब तक आपका ये नहीं दिखेगा तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे बैक करेंगे, उसके बाद फिर से एक्टिवेट करेंगे। जब आप लोग का ये ऐसा दिख गया आई हैव एन एक्टिवेशन कोड फ्रॉम ऑटोडेस्क, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को एक ठोक प्रोडक्ट की डालना पड़ता है। तो वो प्रोडक्ट की कैसे बनता है तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है गाइस, जहाँ पे भी आप लोग ने अपना रैबिट का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हैं उस फोल्डर में आप जाएंगे, जैसे ये है मेरा फोल्डर, उसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे किचन लिखा हुआ है, देखो गाइस यहाँ पे किचन लिखा हुआ है, किचन में यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है X64, आपका दो टोक दिया हुआ है, एक X86 और एक X64, तो आप लोगों को क्लिक करना है X64 में, डबल क्लिक नहीं करना है। कैसे आप लोग करेंगे देखते रहिए इधर, यहाँ पे जैसे मैं X64 में क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करा, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है गाइस। तो एक्सट्रैक्ट हियर में आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक तो फाइल जनरेट हो जाती है X4 करके, तो उसके बाद यहाँ पे X4 जैसे ही आपका फाइल जनरेट हुआ, मैंने क्या किया सिर्फ इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करा, उसके बाद ये फाइल अपने आप जनरेट हो गई, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो मेरा फाइल जनरेट हुआ है उसके में अब मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अगेन, उसके बाद आप लोग सभी यस कर देंगे। यहाँ पे पूछा है रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे जो आपका जो रैबिट का जो ये वाला आया था, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट कोड लिखा है इसको आप कॉपी करेंगे, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करा, उसके बाद आप लोग करेंगे कंट्रोल सी, मतलब मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद ये X4 में आप लोग इसको पूरा डिलीट कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद जैसे आप लोग कंट्रोल वी करें, मतलब जैसे आप लोग पेस्ट कर लिए, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करेंगे जनरेट, जनरेट में यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये जनरेट, देखो मेरा एक्टिवेशन कुछ कोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप जनरेट करने के बाद इसको करेंगे आप पैच को, जैसे मैंने क्लिक करा आपका सक्सेसफुली पैच आना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद ओके करूँगा, ठीक है गाइस। अब एक्टिवेशन को यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 के यहाँ पे आप लोग करेंगे डबल क्लिक, तो ये क्या होगा, ये पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। जब ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल सी दबाएंगे, मतलब कॉपी करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद जैसे कॉपी कर लिए, यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव एन एक्टिवेशन कोड फ्रॉम ऑटोडेस्क, तो यहाँ पे 1 में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे, मतलब पेस्ट करना है। तो लास्ट में देखना गाइस, जो आपको ये 16 वाला जो बॉक्स रहेगा वो खाली रहना चाहिए, और जो ये 15 वाला है तो 15 वाले में जेड आना ज़रूरी है। अगर जेड नहीं आया 15 वाले बॉक्स में तो मतलब आपने गलत रिक्वेस्ट कोड को अच्छे से कॉपी नहीं किया या फिर अच्छे से जनरेट नहीं किया। तो आप लोग अगर आप लोग का जेड नहीं आया लास्ट में तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से रिक्वेस्ट कोड को कॉपी करोगे, डबल क्लिक करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद सेम जनरेट करेंगे। जनरेट में जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, फिर पैच करोगे, उसके बाद क्या करना था बताया था मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक,
ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद वन में जाके कंट्रोल वी दबाना है, कंट्रोल प्लस वी। तो उसके बाद क्या होगा, लास्ट वाला 16 वाला जो बॉक्स है आपका ब्लैंक रहना चाहिए एंड 15 वाले में जेड रहना चाहिए। ओके गाइस, अब जैसे उसके मेरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट, उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट किया, देखो यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग। यहाँ पे मैंने जैसे अब मैं इसको फिनिश किया तो मेरा रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसका मेरा कुछ काम नहीं है तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ से भी इसको क्लोज कर दिया। अब देखो गाइस मेरा रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, तो यहाँ से आप लोग अब अपना लाइफ टाइम के लिए आप लोग का ये एक्टिवेट हो चुका है। ओके गाइस, अब जैसे आप लोग वीडियोस देखेंगे आप लोग को समझ आएगी चीज़ें कि कैसे इसको ओपन करना है, क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। ठीक है गाइस।